पाकिस्तानी फूड में। आज मैं मसाला बोटी बना रही हूँ, जिसके लिए आधा किलो मैंने लैम्ब का गोश्त लिया है और दो मीडियम साइज की प्याज लेके काट लिया है, आधा कप दही है, दो खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है और एक चाय का चम्मच मैंने नमक लिया है, दो चाय का चम्मच भुना पिसा जीरा है और तीन चाय का चम्मच भुना पिसा धनिया है और दो चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च है और दो चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला है, एक चाय का चम्मच हल्दी है, दो चाय का चम्मच मैंने पपीते का पेस्ट लिया है जो कि मेरे पास आधा पका हुआ था, आप लोग कच्चा पपीता ले लीजिए गोश्त खिलाने के लिए, हरा धनिया है और एक हरी मिर्च है जिसे बारीक काट लिया है और आधा चाय का चम्मच पिसा हुआ जायफल है, आधा चाय का चम्मच पिसी हुई जावित्री है और आधा नींबू। अब हम ये सारे मसाले दही लहसुन अदरक का पेस्ट हम गोश्त में मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मसाले सारे गोश्त में बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो गए। पहले मैंने आधा कप ऑयल डाला है, अब मैं प्याज डाल रही हूँ फ्राई करने के लिए। हल्की आंच पे हम आधे घंटे के लिए इसे छोड़ देंगे ताकि गोश्त गल जाए। गोश्त अभी गला नहीं है, हम इसको और 15 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। गोश्त गल गया है, अब मैं इसे भून रही हूँ। इसमें अब मैं नींबू डालूंगी। मसाला बोटी तैयार हो गई है, अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, पाकिस्तानी फूड को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।